हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत की संकल्पना को लेकर के विकसित राजस्थान की आधारशिला हमने आज इस बजट के माध्यम से रखी है। हम इस बजट में हमारे युवा, जैसा कि मैंने बताया, हमारे युवाओं की भागीदारी और भी बढ़े इसके लिए आपने देखा होगा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण भी हम करेंगे। इसके साथ साथ संभागों में स्पोर्ट के हम कॉलेज भी, हमारे महाविद्यालय हम उसमें खोलेंगे। इसके साथ साथ हमने कहा है कि हर जिले में जिस खेल के लिए हम काम करेंगे, जिससे कि टैलेंट निकल करके आए, 2036 का जो हमारा ओलंपिक है उसके लिए हमारी सरकार काम करेगी, जिससे कि हमारे युवाओं को एक इस तरह का साधन मिल सके जो अपनी प्रतिभा जो हमारे गांव में बैठी है वो निखर के आते हुए आगे आ सकती है। यही नहीं, आपने देखा होगा हमने जिस तरह से हमने किसानों के लिए, हमने आपसे कहा था कि हम किसानों के उत्थान के लिए काम करेंगे, हमारी सरकार ने आते ही 175 रुपए हमने किसान का बोनस भी बढ़ाने का काम किया। हमने यही नहीं, आपने पिछले दिनों देखा होगा हमने किसान से वायदा किया कि हम सम्मान निधि देने का भी काम करेंगे, हमने किसान को सम्मान निधि देने का भी काम किया। यही नहीं, आगे मैं आपको उस क्षेत्र में जो हमने किसानों के लिए किया है ये पत्रक आपको मिलेगा, हमने एक एक योजना किसानों के लिए इसमें निहित की है। और पिछले दिनों हमने जो वायदा किया था कि सम्मान निधि देंगे, हमने पहली किस्त टोंक से हमारे पूरे राजस्थान के 65 लाख किसानों को देने का काम किया है। यही नहीं, हमने आपके बीच में वायदा किया था कि 88 लाख उन हमारे सामाजिक सुरक्षा पेंशन वालों को हमने कहा 1000 से 1150 रुपए बढ़ाएंगे, वो भी हमने काम किया है। हमने ये भी कहा था कि आने वाले समय में पेयजल के लिए जो हम नल से जल जो योजना थी, आपने देखा होगा केंद्र की सरकार ने भी पैसा दिया, लेकिन पिछली सरकार का काम आपने देखा होगा उन्होंने उस पैसे का उपयोग भी नहीं किया, अगर उपयोग किया तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा, आप सभी उसको जानते हैं। हमने वायदा किया है कि हम 15,000 करोड़ रुपए व्यय करके 25 लाख ग्रामीण क्षेत्रों में नल से जल पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे, ये हमने आज हमारे बजट में कहा है। यही नहीं, ऊर्जा के क्षेत्र में हमने कहा है कि आगामी 10 वर्षों में प्रदेश में विद्युत मांग के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्पादन किया जाएगा। आपने देखा होगा हमने सरकार बनते ही 1,65,000 करोड़ रुपए के एमओयू किए, 65,000 करोड़ रुपए का एक अलग किया, और आने वाले समय में हम पंप सिस्टम से भी हम आगे योजना बनाने वाले हैं, जिससे कि दिन में हम सोलर से उसको लें, रात को हम किसी भी तरह की कमी नहीं आए उस काम को भी हम करें। 1800 मेगावाट का हमारा 12 में चल रहा है, अभी 2-3 साइड और हैं उनको भी प्रारंभ करेंगे। हम सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, कुसुम योजना के क्षेत्र में, और हमने किसानों से वायदा किया है कि उनको हम बिजली सिंचाई के लिए दिन में देंगे, दिन की हमारी बिजली होगी। तो हम आपसे कहना चाहते हैं, आज भी हमारे बजट में हमने कहा है कि किसानों को 2027 तक हम दिन में बिजली देने का काम हम करेंगे। ये योजनाएं बृहद योजना है, आप जानते हैं एक कोई योजना बनती है समय लेती है, लेकिन हमने वायदा किया है राजस्थान की जनता से, चाहे पेयजल की योजना हो चाहे ऊर्जा की योजना हो, समयबद्ध तरीके से पूरा करते हुए राजस्थान की जनता को उसका लाभ हम देंगे। यही नहीं, आपने देखा होगा हमने सड़कों के क्षेत्र में 5 वर्षों में 53,000 किलोमीटर लंबाई का सड़क नेटवर्क लगभग 60,000 करोड़ रुपए व्यय करके हमें बनाना है। कई हमारे प्रदेश में इस तरह के हैं, हाईवे भी हैं, लेकिन आज आवश्यकता है दूसरे कॉरिडोर की, तो हमने नए कॉरिडोर बनाने की भी बात है। हमने हमारे उपखंड से जिले स्तर की जो सड़कें हैं वो सिंगल हैं, उनको भी हमने कहा है कि उनको 2 लेन बनाएंगे, उनको भी पूर्ण करेंगे, उसमें भी हम काम करने वाले हैं। यही नहीं, मैं आपको और बताना चाहता हूँ, क्षेत्रीय विकास एवं नागरिक सुविधाएं भी हैं, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना 500 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने उसमें भी किया है। यही नहीं, 86 नगर निकाय जो हैं उनको उनके यहाँ मेटेरियल रिकवरी फैसिलिटी केंद्रों का निर्माण भी हम कराएंगे। इसी तरह ठोस कचरे का जो प्रबंधन, जो गंदगी फैलाने का काम करता है, उसके लिए भी हमने कहा है कि ऐसी 71 निकाय हैं उनमें भी हम काम करेंगे, स्वच्छता के लिए हमें उसमें भी काम करना है।
यही नहीं, औद्योगिक विकास के लिए हमने आपको बताया था कि हम औद्योगिक विकास के लिए हमारे इस तरह के 6 औद्योगिक क्षेत्र हैं जिनमें हम विकास करना चाहते हैं, उनका डेवलपमेंट हम करेंगे। हम जयपुर और दिल्ली के बीच में भी एक हम औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण करने वाले हैं जो एक अच्छा औद्योगिक क्षेत्र होगा। हाईटेक सिटी का भी हमने कहा है, वो भी हम करने वाले हैं। हमारे बाड़मेर रिफाइनरी है, उसके भी 145 प्रोडक्ट निकलने वाले हैं, वहां भी हम एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापित कर रहे हैं। इस तरह का आपने देखा होगा मिनरल हमारे यहाँ है, लेकिन उस मिनरल का उपयोग दूसरे स्थान पर होता है। उस मिनरल का उपयोग हमारे राजस्थान के अंदर हो, उसके लिए भी हमने बांसवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़ और हमारे इस तरह के क्षेत्र है उसमें भी उसको हम औद्योगिक क्षेत्र बनाते हुए हम उनका भी उपयोग करेंगे। यही नहीं, आपने देखा होगा भीलवाड़ा में टेक्स स्टाइल पार्क के लिए हमने काम किया है और बीकानेर में भी हम काम कर रहे हैं। और इसी तरह से पर्यटन के क्षेत्र में, जो राजस्थान पर्यटन के क्षेत्र में बहुत अपार संभावना है, ये आप भी जानते हैं, तो उस क्षेत्र में भी हम काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा धार्मिक पर्यटन सर्किटों को जोड़ना, आपने बजट में देखा होगा हमारे पुराने इस तरह के पर्यटक हैं उनको जोड़ना, हमारे अभ्यारण्य हैं उनको जोड़ना, वहाँ सुविधा देना और उनको हवाई कनेक्टिविटी से जोड़ना। और यही नहीं, हमने उस जिले में जो आपने देखा होगा जहाँ आवश्यकता है वहाँ हेलीपोर्ट बनाने के भी हमने बात हमारे बजट में रखी है कि वहाँ हेलीपोर्ट भी बनाने का हम काम करेंगे। यही नहीं, आपने देखा होगा कि जिस तरह से वन और पर्यावरण के क्षेत्र में आपने देखा होगा माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माँ के नाम एक पेड़ की योजना चली है। हमने 7 करोड़ इस साल 7 करोड़ वृक्ष लगाने का हमारी सरकार ने अभियान लिया है और हमने विभिन्न क्षेत्रों में लिया है, सामाजिक संस्थानों में लिया है, गांव चारागाह हमारे इस तरह के सेवाई चक रास्ते रोड जहां भी कहीं आवश्यकता होगी वहां हमारी सरकार निश्चित रूप से आपने देखा होगा अभियान के तहत काम करते हुए वन और पर्यावरण के क्षेत्र में काम करेगी। 2000 वन मित्र बनाने का भी हमने लक्ष्य लिया है। नरेगा के माध्यम से हर पंचायत में 5 लोग हमारी एक कमेटी बनेगी, वो भी काम करेगी। उसके साथ साथ हमारे रिटायर जो ऐसे हैं, हमारे वैद्य हैं, अध्यापक हैं, डॉक्टर हैं, हमारे सैनिक हैं, उनको वन मित्र बनाते हुए उसमें किस तरह से हम पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर सकते हैं उसको भी हम करने वाले हैं। बाघ परियोजना के क्षेत्र में भी आपने देखा है उसमें भी हमारी सरकार काम करने वाली है। युवा विकास एवं कल्याण के लिए 5 वर्षों में 4 लाख भर्तियां जैसा कि मैंने आपको बताया, युवा नीति भी हम लेकर के आने वाले हैं और स्पोर्ट के क्षेत्र में मैंने आपको बता दिया जिस तरह से हम आगे करने वाले हैं। हमने 20 संस्कृत महाविद्यालय हेतु भवन निर्माण के लिए भी हमारी, क्योंकि हमारी जो संस्कृत है ये हमारी पुरानी विधा है, ये हमारी संस्कृति की भाग है, ये हमारे संस्कृति की भाग है, हमारी पुरानी सबसे संस्कृत भाषा है हमारी, उसको हम प्रोत्साहन करने के लिए हम ये काम भी करने वाले हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में आपने देखा होगा हमने कहा हर व्यक्ति का एक